चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल हैं और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। भोलेनाथ, रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। आ गए, नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है, उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी।
देखो हमें और सतर्क रहना होगा और कहीं भी हो सकता है आप लोग सब ध्यान दें शरारत तो कभी भी वो यहाँ गणेश, पुत्र गणेश। जी माँ। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। सेनापति गण, अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो। जो आज्ञा प्रभु, चलो। हो रहा
अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उसे परास्त करने के लिए गणों की सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको, ये क्या मूर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो? पीछे हटो। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। इस बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा। Ah!
अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ प्रभु, आप विचलित क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? देवी, भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं? तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है। हाँ, हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी। का वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, प्राणनाथ, क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। यह संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो।
अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। No!
माता श्री, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लो पुत्र, ये फल खा लो। फल नहीं खाने मुझे, मोदक चाहिए। अरे पेटू, कितने मोदक खाते हो तुम? ये लो। बस दो ही, ये तो हालक में ही रह जाएंगे। अच्छा चलो और दो ले लो बस। और इस चूहे के लिए, ये बेचारा क्या मेरा मुंह तकेगा? ये चूहा मोदक खाएगा। लो तुम भी लो। मूषक जी, तुम फल खाओ, लड्डू खाकर मोटे हो गए तो दौड़ नहीं पाओगे। आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। नंदी मित्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, पूछो पूछो। देखो, यदि उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घूमूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, ये जो चूहा वहाँ ऊपर बैठा है, उसके शरीर पर कितने बाल हैं? मुझे तो नहीं पता, तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ, इसके शरीर पर 10,000 करोड़ बाल हैं। कैसे? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गिन लो। ठीक कह रहे हैं। नंदी की पीठ पर से उतर जाओ गणेश जी, वो आपके पिताश्री को छोड़कर और किसी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। बालक गणेश, नारद मुनि अभी अभी माता पार्वती को ढेर सारे मोदक देकर गए हैं। अच्छा, परंतु माता पार्वती कह रही थी कि छुपा कर रखूंगी, नहीं तो गणेश चट कर जाएगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। अरे उठो। प्रभु, ऊपर देखिए, वो रहे लड्डू। ये तो बहुत ऊपर है। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। आइए। Yeah.
मोदक। मैंने कुछ नहीं किया माँ, ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुंचता वहां तक। कितना परेशान करते हो तुम लोग। दो तो मिल ही गए। शैतान? ये क्या है? क्या करूं माता श्री, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा नटखट। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। सब भागे हैं सरपट हो, मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे हैं सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन, वक्र तुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश, भक्त जनों के कटे कलेश। इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तनमन।
क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ, तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। और उनकी चीजों को मत छेड़ा करो, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव, मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन है, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ, उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक, मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। रे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर, उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान, आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। है ना तू बालक, अब मेरा प्रहार सहन कर। शिव जी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम, क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं क्या, इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती क्षमा दान दें, अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है, क्षमा माते क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा। वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। तभी से गणेश जी का नाम एक दंत भी पड़ गया। गणेश जी की बुद्धिमानी, चतुराई और साहस के किस्से धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनमें से एक है कावेरी नदी का जन्म, देखकर मजा आएगा। एक बार सुरप्तमन नाम के एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। तथास्तु। मैं अजय हो गया।
अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब देवतागण बचकर कहां जाएंगे? शिव जी के इस वरदान से देवलोक पर मुसीबत आ गई। सुर्ख दमन ने देवताओं को हराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राक्षस राज, सब देवताओं को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्रदेव बच निकले हैं और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। उसको भी ढूंढकर बंदी बनाओ। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूँ अपने इष्ट देव शंकर जी से मिलने। भागे जा रहे हो वरुण देव? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ। मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। सच? तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो। काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिण भारत में कहीं छुप गया है। दक्षिण भारत वासियों ने उसे छुपाकर मुझसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम वहां मेघ ले जाना बंद कर दो, एक बूंद पानी भी वहां ना बरसने पाए। सूखे से तड़पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम भी। मैं मजबूर हूं, इस दुष्ट की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। कोप से पूरे दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया। वहां की बुरी हालत देखकर ऋषि अगस्त्य का मन भर आया और वो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए यज्ञ करने बैठ गए। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ब्रह्म देवताभ्यो। ये कौन हमारा आह्वान कर रहा है? नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मा
नमो ब्रह्मा। आपका यज्ञ सफल हुआ मुनिवर। कहिए क्या चाहते हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं, पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। आप तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाइए। उनकी जटा से गंगा बहती है, वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जल लेकर दक्षिण भारत जाएंगे। क्यों ना हम भी चलें? मैंने दक्षिण भारत का प्रदेश नहीं देखा है। उनसे पूछो, वो हमें साथ ले चलेंगे। पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे। हम चुपचाप इनके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी दूर तक तो मैं थक जाऊंगा प्रभु। आलसी कहीं का, चल बड़ा आनंद आएगा। Mm-hmm.
वहाँ पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते। मुनिवर भी थके हुए हैं, कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक युक्ति सूझी है, तू यही बैठकर तमाशा देख। नहीं, अरे मूर्ख, ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, काले मुंह के राक्षस, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे गणेश जी, आप क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था इसीलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, धन्य हो प्रभु, मुझसे पहचानने में भूल हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुनिवर, आपने तो पृथ्वी लोक के भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा। शिवजी ने हमसे कहा है कि हम सबको अपने कार्य में कुशल होना पड़ेगा। समझ गए तुम लोग? सुनो सुनो मित्रों, एक खुशखबरी है, मेरा छोटा भाई आया है। बधाई हो, इसलिए लड्डू बांट रहे हो? बांट नहीं रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए तो माता पार्वती से मांगो, थोड़े मेरे लिए भी ले आना। ये सब लड्डू अकेले ही खाएंगे। गणेश जी अपने छोटे भाई कार्तिकेय को बहुत प्यार करते थे, परंतु दो भाइयों के बीच अक्सर प्यार भरी तकरार जरूर होती है। गणेश जी को किताबें और ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था और वे हमेशा पढ़ते रहते थे, परंतु कार्तिकेय तो शूरवीर योद्धा था।
भैया चलिए, झरने पर हमें स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए, जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। पूरे विश्व के 3 चक्कर, मैं मूर्छित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। चक्कर पूरे हो गए मुनीवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं? आप तो सब जानते हैं मुनीवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है, उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। गए नहीं, सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के 3 चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। 7 महाद्वीप, 4 महासागर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजयी हुए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो। एक बार चंदा मामा का भी गणेश जी से पंगा हो गया था। रात का समय था, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर चांदी बिखरी हुई थी। चलो चलो
मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। को संभाल के रख। अब कहां भागेगा? प्रभु, प्रभु जरा संभाल कर बांधिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा। जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी। प्रभु, तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकेगा। जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा। मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें। ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदनी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। क्षमा करें चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदनी से वंचित नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नई कार। It's party time. जेब में धन हो तो शो ऑफ करने का दिल करता है। धन और लक्ष्मी के देवता
कुबेर ने भी कुछ ऐसा ही किया। कैसे? चलिए देखते हैं। महादेव। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। और पतिदेव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं होगा। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतने प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। आप बालक गणेश को ले जाएं। इसे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश। आज्ञा पिताश्री। अंदर चलिए गणेश। Ha ha ha!
चलिए श्री गणेश। अब कहां से लाऊं? पूरे शहर का भोजन तो चट कर दिया आपने। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरी भूख शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। भोजन लाओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा। भाग गया, अब मैं क्या खाऊं? दुहाई हो प्रभु, दुहाई हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ महाराज कुबेर, इतना घबराए हुए क्यों हैं आप? प्रभु, आपसे क्या छिपा है? आपके पुत्र गणेश की भूख शांत नहीं हो रही है, वो मुझे खाने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो धन और ऐश्वर्य के मालिक हैं, एक बच्चे को पेट भर भोजन नहीं खिला सकते। मुझे क्षमा करें देव, मैं अभिमानवश आपको निमंत्रण देने आया था, परंतु श्री गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। चलिए अच्छा हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो हमेशा झुका रहता है। Let's go.
गणेश जी की जय हो। प्रभु, मैं एक कटोरी भात लाया हूँ, इसे भी ग्रहण करें। इतने से भात से मेरा क्या होगा, पर लाओ। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भात था, मेरा पेट भर गया। धन्य हो प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार अच्छी तरह नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मुझे खाने पर बुला लेना। नहीं, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। प्रभु, तारकासुर ने कार्तिकेय को हराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया है। भगवान शंकर भी नहीं है, हम क्या करें? घबराओ नहीं, इस तारकासुर का वध हमारे प्यारे भाई कार्तिक के हाथों से ही होगा। हम युद्ध में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगे। आओ अनुज, इस सृष्टि को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड देकर इस धरती को उसके पापों से मुक्त करवाता हूँ। नन्ना सा बालक मेरा क्या अवध करेगा, इसको तो मैं चीटी की तरह मसल के रख दूंगा। इसके लिए तो मेरा एक दैत्य सैनिक ही काफी है। हंस ले अहंकारी मूर्ख, मृत्यु से पहले जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हंसी। तेरी ये मजाल मायावी बालक, अभी मैं तुझे और तेरे मुट्ठी भर गनों को मजा चखाता हूँ।
बाल्यकाल से जुड़ी और भी कई रोचक कथाएं हैं, पर वो सब फिर कभी।